नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज। खबर पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी मुख्यालय कमिश्नर में 50 साल पूरे होने पर पौड़ी में पहली बार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। गढ़वाल कमिश्नर की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह जनपद पौड़ी मुख्यालय में पहली बार त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक की गई। कैबिनेट बैठक में मंत्री अरविंद पांडे को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सरकार की बैठक में पौड़ी वासियों के लिए 692,77,000, दिवाली झील के लिए स्वीकृत 2 करोड़, निर्गत मंडी परिषद में रिवॉल्विंग फंड स्वीकृत, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा व देवदार सितोनसियों पट्टी में गढ़गांव में NCC अकादमी के लिए 3,667 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। आपको बता दें, इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि इस बैठक में तकरीबन 1 दर्जन विषयों पर चर्चा की गई। इसमें पलायन, खासकर पौड़ी जिले से हो रहे पलायन, कमिश्नर को और अधिक प्रभावित बनाने, पौड़ी जिले की पेयजल समस्या के साथ ही यहां के विकास के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जो कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। जी हां, पौड़ी कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। राज्य सरकार द्वारा 2019 और 20 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। पेशेवर युवाओं हेतु मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति प्रख्यापित। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु जिला उद्योग केंद्र में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क व स्टैंडअप योजना में समुचित प्रस्ताव तैयार किया जाना। प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा स्टार्टअप के लिए क्रियान्वयन नीति। स्वरोजगार में ऋण आधारित ब्याज उत्पादन योजना। सहकारी विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण व बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम उत्तराखंड खादी बोर्ड में रुपया 2,00,000 से 5,00,000 तक की परियोजनाएं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वाहन व गैर वाहन हेतु। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। उद्यान विभाग की मशरूम उत्पादकों के लिए योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह पर आधारित ILPSP ग्राम बैंकों द्वारा संचालित योजना। उद्योग MSME विभाग द्वारा संचालित योजनाओं। औद्योगिक विकास PMJSY स्टार्टअप। MSME नीति। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। इन सब विषयों पर चर्चा की गई।
पौड़ी गढ़वाल से टीएनएन के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।